कार्तिक फराह खान की मां मीनका ईरानी का निधन 79 साल की उम्र में हो गया। साजिद और फराह खान की मां के अंतिम संस्कार को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया, मगर कई सेलिब्रिटीज जो की हैं उनके घर पहुंचने लगे हैं। शिल्पा शेट्टी से लेकर शिव ठाकरे और एमसी स्टैन दिखे, जहां की डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान और साजिद खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां मीनका ईरानी का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 26 जुलाई 2024 को अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि मीनका ईरानी पिछले लंबे समय से बीमार थी और उनकी कुछ सर्जरी भी हुई थी। बताते चले कि फराह खान इस टाइम काफी निराश हैं और वहीं पे साजिद खान भी। फराह खान और साजिद खान इंडस्ट्री का अहम हिस्सा रहे हैं, उनकी मां खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। इस दुखद खबर को सुन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। हालांकि इस दौरान फराह खान नजर नहीं आए। लाजमी है कि वो इस समय काफी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और बुरी तरह दुखी में होंगे। शिल्पा शेट्टी, एमसी स्टैन से लेकर शिव ठाकरे और संजय कपूर से लेकर कई सेलिब्रिटीज वहाँ पे दिखाई दिए और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताते चले कि फराह खान की मां मीनका ईरानी को अंतिम विदाई देने के लिए रानी मुखर्जी भी नजर आई। रानी मुखर्जी बाइक को लेकर सुनहरी में पहनी नजर दिखी। वही बात करेंगे फराह खान की फैमिली की, तो फराह खान की फैमिली से जुड़ी हुई कई तस्वीरें सामने आई। फराह खान एक ऐसी डायरेक्टर है जिनका इंडस्ट्री से काफी अच्छा कनेक्शन है। शाहरुख खान हो या फिर सलमान खान, सबसे उनकी काफी अच्छी जानती है। फराह खान के घर पहुँचने वाली सेलिब्रिटीज में संजय कपूर भी शामिल है। संभव यह है कि अनिल कपूर वो उनकी फैमिली से भी कोई आए होंगे, लेकिन कपूर खानदान के साथ में फराह खान का काफी अच्छा बॉन्ड है। बताते चले कि इंस्टाग्राम पर भी अनिल कपूर के साथ उनकी कई तस्वीरें देखने को मिलती है। साजिद खान, एमसी स्टैन और अबुल रोजिक की दोस्ती साजिद खान के बिग बॉस में हुई थी, जहाँ की फराह खान भी पहुंचे थे। इसके बाद से काफी कुछ चीजें चेंज हुई। इसके बाद वो सब उनके घर भी गए थे और काफी अच्छा बॉन्ड भी बना था। मशहूर सिंगर और कंपोजर आने वाले को भी मीनका ईरानी के फ्यूनरल में स्पॉट किया गया था। बताते चलिए कि फराह खान के साथ ही रियलिटी शो में जज के तौर पर भी आने वाले थे, जो कि एक साथ काम भी कर चुके हैं। शिल्पा शेट्टी ही नहीं बल्कि शमिता शेट्टी भी नजर आई। शमिता और शिल्पा शेट्टी अलग अलग गाड़ियों में और अलग अलग गाड़ियों से वो पहुंचे, लेकिन शमिता सफेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में देखी तो फराह खान के दोस्त हिमेश भी कार में स्पॉट हुए। वो ब्लैक आउटफिट में नजर आए और संजय लीला भंसाली भी इस दुखद घड़ी में फराह खान को हिम्मत देने पहुंचे। वो ब्लैक कुर्ते में नजर आए। हाल ही में भंसाली हीरा मंडी लव सीरीज के चलते काफी चर्चा की है। मशहूर सिंगर बी प्राक को भी स्पॉट किया गया। वही साजिद खान की फैमिली से मिलने पहुंचे। संभावना सी जो फराह खान के अच्छे दोस्त हैं, हाल ही में वो भी उनके घर पे शिरकत करने पहुंचे। दोनों एक दूसरे के ब्लॉग में भी नजर आए। आपकी इस पे क्या राय हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेडीज सभी को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सनलाइट।